हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई हमारे सामने जो खड़ा है वो है ब्रेजा का BXI ब्रांड, वो भी CNG में। तो भाई फ्रंट लुक से अगर कुछ देखते हैं तो कुछ इस टाइप से लुक प्रोवाइड कराती है आपको, लेकिन उससे पहले बात करते हैं इसके प्राइस और स्पेसिफिकेशंस की। तो एक्सरूम जो है 12,38,000 रुपये कॉस्ट करती है CNG के साथ में। 1.5 लीटर इंजन आपको देखने को मिलता है, जो CC है 1462 CC आपको इसमें देखने को मिलती है 4 सिलेंडर के साथ में। और जिसका इंजन सीरीज है वो आपको K15C सीरीज वाला इंजन देखने को आपको इसमें मिलता है। 87 BHP यानी 87 BHP पावर जनरेट करके देता है 121.5 NM टॉर्क के साथ में। अगर इसके व्हील बेस की बात करें तो 2500 mm आपको इसमें व्हील बेस देखने को मिल जाता है, और पेट्रोल प्लस CNG आपको ये देखने को मिल जाएगी। देन अगर इसकी बात करते हैं फ्रंट लुक की, तो फ्रंट लुक से आपको कुछ इस टाइप से लुक प्रोवाइड कराती है, जिसमें कि आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलती है जो कि LED में है। देन आपको यहाँ पे देने को मिलता है इसका टर्न इंडिकेटर, यहाँ पे कोई भी आपको DRLs वगैरह देखने को नहीं मिलती है। फॉग लैम्प जो है वो आपको इंक्लूड करानी पड़ेगी एसेसरीज के पार्ट में। देन बम्पर जो है डोल टोन में देखने को मिलता है ब्लैक में और आपका वाइट कलर में, यानी कि जो कलर होगा उसमें, और ये वाला पोर्शन जो है मैट ब्लैक में देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे ग्रिल जो है वो आपको क्रोम के साथ देखने को मिल जाती है, मारुति सुजुकी का लोगो जो है क्रोम के साथ आपको देखने को मिलता है। बोनट आपको कुछ इस टाइप से लुक प्रोवाइड करा देता है, ऊपर आपको CNG की बैजिंग देखने को मिलती है और पीछे साफ फिन एंटीना आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर बात करते हैं साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल में आपको कुछ इस टाइप से चौड़ी सी आपको व्हील साइड क्लाइडिंग देखने को मिलती है, और आपको यहाँ पे स्टील रिम जो कि ब्लैक कलर का, इसमें व्हील कैप जो है कंपनी के साथ आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके साइज की बात करें तो R16 का आपको इसमें साइज देखने को मिलेगा। देन आपको यहाँ पे भी टोर साइड क्लाइडिंग भी देखने को मिल जाएगी। ORBMs जो है आपको बॉडी कलर देखने को मिलते हैं। देन इसमें LED टर्न इंडिकेटर का ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाता है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल आपको देखने को मिल जाते हैं। डोर हैंडल जो है वो आपको बॉडी कलर देखने को मिलता है, यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल और इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल का ऑप्शन आपको मिरर का देखने को मिल जाता है। और डोर जो है आपको कुछ इस टाइप से पूरा ब्लैक कलर में देखने को मिलता है, यहाँ पर फैब्रिक का काम देखने को मिलेगा। चारों पावर विंडो के स्विच जो है वो आपको यहीं पे डोर्स पे देखने को मिल जाते हैं। बॉटल होल्डर देखने को मिलता है, और यहाँ पे स्पीकर की प्लेसमेंट, ट्विटर की प्लेसमेंट जो है ऊपर हो सकती है। देन एडजस्टेबल सीट आपको देखने को मिल जाती है, फैब्रिक में सीट देखने को मिलती है। हेडरेस्टेबल आपका आर्मरेस्ट मतलब जो हेडरेस्ट है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको CNG फ्यूल कन्वर्टर देखने को मिल जाता है, स्विच जो कि आपको CNG या पेट्रोल में जिसमें भी चलानी है आप यहां से कन्वर्ट करके चला सकते हैं। तो ये रहा इंटीरियर इसका, तो इंटीरियर कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाता है। और इसकी हम बात करें कुछ इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो वो इस टाइप से टच स्क्रीन आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पे उससे पहले बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, जो कि आपको एनालॉग मीटर में देखने को मिलता है। एक साइड आपको RPM मीटर, एक साइड आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, और बीच में जो आपकी MID देखने को मिलती है वो आपको, जिसमें एक तरफ CNG की नोटिफिकेशन है, एक तरफ आपको पेट्रोल की नोटिफिकेशन देखने को मिलती है। बीच में आपकी कितने किलोमीटर चली है, सारी नोटिफिकेशन आपको इस MID में देखने को मिलती है। कुछ नोटिफिकेशन जो है आपको साइन के थ्रू भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको हजार्ड लैंप का स्विच देखने को मिलता है। ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। भाई चल मत, ये बंद हो गया। यहाँ से इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, यानी कि जो बटन इसके हैं वो आपको टच कंट्रोल के साथ देखने को मिल जाते हैं। शॉर्टकट कीज भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। म्यूजिक आप FM, ब्लूटूथ, USB पोर्ट जिससे चाहे उससे आप चला सकते हैं। AC के बैंड जो हैं आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाएंगे। AC कंट्रोल्स जो हैं वो आपको ऑटो क्लाइमेट AC इसमें देखने को मिल जाती है, जो कि उसकी कुछ डिस्प्ले जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। उसकी शॉर्टकट कीज जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ऑटो है, फ्रंट डिफोगर हो गया, रियर डिफोगर हो गया। यहाँ से आपको ब्लोअर एडजस्ट कर सकते हैं किस तरफ आपको एयर फ्लो चाहिए। देन यहाँ से आपको फैन की कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं मैनुअली। नीचे देखेंगे तो आपको USB पोर्ट देखने को मिल जाता है, ऑक्स पोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पे स्पेस देखने को मिलता है। देन गियर नॉब जो है कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाती है। यहाँ देखेंगे तो आपको कप होल्डर देखने को मिलता है, यहाँ पे छोटा सा स्पेस। और आगे कुछ देखने को, अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग के साथ स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ऑडियो स्टीयरिंग रिमोट कंट्रोल देखने को मिलेगा। और यहाँ पे अगर इससे अपर वेरिएंट में जाते हैं और टॉप एंड वेरिएंट में जाते हैं, तो उसमें आपको यहाँ पे वुडन फिनिश का काम देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड कराता है। और डैशबोर्ड की बात करें तो आपको ग्लॉसी ग्रे का काम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको ग्लोव बॉक्स देखने को मिलता है सफिशिएंट स्पेस के साथ में, और वैनिटी मिरर ऊपर जो मिरर है यानी कि IRBM, वो आपको डे एंड नाइट फीचर के साथ देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर भी देखने को मिलता है, जिसको कि लाइट के साथ देखने को नहीं मिलता है, लेकिन आप उसको बंद करके रख सकते हैं।
दो हैंडल आपको देखने को मिल जाता है और ऊपर आपको ग्रैब बार हैंडल देखने को मिल जाएंगे। रूम लाइट आपको हैलोजन में देखने को मिलती है और पीछे दो हेडरेस्ट जो हैं वो आपको एडजस्टेबल देखने को मिल जाते हैं, मतलब एड्रेस जो हैं वो दो ही देखने को आपको मिलते हैं। ये व्हील कैप का बॉक्स इसमें रहता है। पीछे वाले डोर पे पावर विंडो के स्विच आपको देखने को मिल जाते हैं और डोर हैंडल में आपको बोतल वोटर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस टाइप से इसका इंटीरियर रहेगा। अब चलते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ। भाई ये रहा कुछ इसका रियर प्रोफाइल। रियर प्रोफाइल से बात करते हैं आपको तो डुअल टोन में बम्पर देखने को आपको मिलेगा जिसमें आपको चार पार्किंग सेंसर और रिफ्लेक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं। एलईडी नहीं है रिफ्लेक्टर, मतलब कि इलेक्ट्रिकली नहीं है, लेकिन आपको मैनुअल रिफ्लेक्टर जो है देखने को मिल जाते हैं जिसमें आपको कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है। इसकी प्लेट जो कि अलग से कलर में नहीं दी गई है, ये भी आपको ब्लैक कलर में ही देखने को मिलेगी। ऊपर आपको ब्रेजा की बैजिंग देखने को मिलती है, मारुति सुजुकी का लोगो, और एलईडी में आपको टेल लाइट्स देखने को मिल जाती है। देन अच्छी बात यह है कि आपको इसमें डिफॉगर भी देखने को मिल जाता है और सीएनजी की बैजिंग। ऊपर आपको स्पॉइलर और साफ फन एंटीना देखने को मिलता है। हाई स्टॉप लैंप देखने को मिल जाती है, यानी कि हाई माउंटेन स्टॉप लाइट। और बूट जो है कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलता है। सीएनजी का सिलेंडर है वो पूरी तरह कवर किया गया है, यानी कि प्रीमियमनेस में कहीं भी कमी नहीं छोड़ी गई, यानी कि ये नहीं लगे लोगों को बड़ी गाड़ी ली है और सीएनजी वाली गाड़ी है तो वो चीज़ का ध्यान रखा गया। ऊपर आपको पार्सल ट्रे से कवर किया गया है, नीचे आपको एक अलग से एक कवर किया गया है। साइड में आपको स्पेस भी देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको एक हुक भी देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस टाइप से आपको इसमें रियर प्रोफाइल जो है देखने को मिल जाता है। अंदर से डैशबोर्ड दिखाऊँ तो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।